मेरा नाम कपिल शर्मा, मैं फरीदाबाद से। गुरुजी कल जब ध्यान करने, मैं इंजीनियर हूँ गुरुजी एक प्राइवेट कंपनी में, और कल जब ध्यान करने बैठा तो पहले मुझे एक पक्षी दिखाई दिया जो ज़मीन के ऊपर था, बहुत बड़ी आकृति का, और वो फिर उड़ना शुरू किया और उड़ते 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 वो आसमान में चला गया और खूब उड़ रहा है वो। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा दृश्य दिखा कि मैं काले रंग में अंधेरे वाली गुफा में चला गया, और गुफा में जाते हुए मुझे मैं फिर प्रकाश दिखाई दिया, और उस प्रकाश के बाद मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन हुए। और फिर उसके बाद जब आपने शक्तिपात किया, और उसके बाद मुझे पहले ऐसा लगा कि मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और सूर्य उदय का समय, और जैसे मैंने सूर्य की तरफ देखा तो मुझे सूर्य उदय होता दिखाई दिया। और उसके बाद फिर मुझे एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया, त्रिभुज बना हुआ था जी। और जो तीनों थे उसके ऊपर तीन लाइटें थी अलग अलग, त्रिभुज में तीन जो कॉर्नर होते हैं तीनों पे अलग अलग प्रकाश आ रहा था, और वो बहुत प्रकाश, मतलब काफी प्रकाश था वो। और आज सुबह तो मैं बैठा था तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज प्रकाश नजर आ रहा था, काफी तेज, कभी आ रहा था कभी जा रहा था आज सुबह वाले ध्यान के अंदर। ठीक है, आपका अच्छा आशीर्वाद है गुरुजी आपका। एक गुरुजी मुझे ना स्वप्न आते हैं, और स्वप्न में मुझे कुछ आवाज आती है, जैसे डायरेक्शंस आती हैं, मैंने आपको भी लिखा था। और वो एक स्वप्न है जिसने मतलब कि मुझे शायद कुछ आगे बढ़ाया, वो स्वप्न मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो आवाज़ कैसे आती है और क्यों आती है। मैं रात्रि में ध्यान करता हूँ 9:15 बजे, 45 मिनट 45 मिनट का, और उसके बाद जाके सो जाता हूँ। और एक ही स्वप्न में थोड़ा सा बताऊँगा शॉर्ट में, कि मैं जैसे सोया हुआ था और अचानक मुझे माता आदि शक्ति के दर्शन हुए, और दर्शन होने के बाद मुझे जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद मुझे वो आपकी तरफ इशारा कर दिया, और मैंने जैसे आपकी तरफ आया तो ऐसे ही शिविर चल रहा था, शिविर के अंदर आप दिखे मुझे, और आपने आते ही मुझे डांट लगाई कि तू बहुत मैसेज करता है आज, बोल अपनी क्या बोलना चाहता है। तो मैंने आपको अपनी सारी सुना ली। सुनाने के बाद फिर आपने क्या किया कि मुझे अंगूठा रखा मेरे माथे पे, और 48 घंटे का मुझे टाइम दिया कि 48 घंटे में तेरा मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, और क्या करूं। फिर आपने मुझे यह आदेश दिया कि जाके किसी मंदिर के बाहर भिक्षा मांग। मैंने कहा ठीक है जी, वो भी कर लूँगा, और क्या करूं। बोले जा किसी भक्तों के और साधकों के जूते साफ कर। मैंने कहा वो भी कर लूँगा जी, और क्या करूं। जा किसी मंदिर में जाके सफाई कर। तो ये तीन आदेश मेरे पास हो गए, और मैं इनमें कन्फ्यूज़ कि कैसे करूँ। फिर मन में मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने घर से किसी दूर वाले मंदिर में जाऊँगा और उल्टे सीधे कपड़े पहन के बैठ जाऊंगा, पैसे तो चाहिए नहीं, बैठ के लाइन में उठ के आ जाऊंगा, देखा जाएगा। तो फिर मुझे फिर दोबारा अगले दिन मुझे ऐसा हुआ कि अब क्या करना चाहिए, जूते वाला काम भी नहीं मैंने किया ऐसा, और मंदिर वाला भी नहीं किया, छोटे होते किए थे। तो अगले दिन मुझे पता चला कहीं पर भागवत हो रही है, मैं वहाँ चला गया सुनने के लिए, तो मुझे वहाँ जूते वाले दिखाई दिए। लेकिन मेरे मन में विचार आया मैं तेरा काम बन गया, बट इतने में देखा तो वो जूते वालों ने किसी एक आदमी को भगा दिया कि भाई हम नहीं सेवा करवाते बाहर वालों से, हमारा तो एक ग्रुप है और वही ग्रुप ही सेवा करता है। तो मैं चुपचाप वहाँ पे भागवत अपने सुनने बैठ गया। सुनने के बाद फिर वही मैंने माता से प्रार्थना की और आपसे मन में सोच के प्रार्थना की कि मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। अगले दिन फिर मैं आया, तो अगले दिन मैंने क्या पाया कि उस जहाँ पे वो जो स्टॉल लगता है उनका जूते का, वहाँ पे केवल एक ही आदमी था, अच्छी उम्र में बड़े थे, और मैंने जाके उनके पैरों को हाथ लगाया और मैंने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, और उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। और उसके बाद से मुझे एंट्री मिल गई है, और उनके ग्रुप में अब जब भी कहीं पे कुछ प्रोग्राम होता है वो मुझे बुला लेते हैं, और मैं काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैं मंदिर गया, मंदिर वाला काम भी करना था मुझे, पंडित जी ने बोला हमारे यहाँ पर तो सैलरी वाला सफाई वाला आता है, हम सफाई नहीं करवाते। मैंने बोला जी कुछ काम तो दे दो, मैं तो सब कर लूँगा।
तो बोले एक काम करो, तुम ना हमारे मंदिर में टाइलें साफ कर दो, टाइल नहीं कोई साफ करता। मैंने बोला ठीक है जी कर दूंगा। ये बात नवंबर की है, सर्दी के दिनों की, सुबह 6 बजे का टाइम दे दिया। और पंडित जी ने भी मुझे चेक करने के लिए क्या बोला, सबसे मंदिर के बाहर वाली टाइल पकड़ाई कि देखते हैं शर्म आएगा तो नहीं। मैं भी लगा रहा अपने आराम से। तो ऐसे फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके ऐसे मेरा ये चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद एक सपना और आया कि भाई तुम्हें ना लोगों को भोजन कराना चाहिए। मैंने बोला ठीक है भोजन, अब भोजन कैसे कराऊंगा मैं भी, मुझे वो नहीं समझ आया। तो फिर 1 जनवरी को क्या हुआ, मेरे पड़ोस के 2 लोग आए, बोले कि यार हम एक प्लान करते हैं, हम महीने के पहले हफ्ते में भंडारा शुरू करते हैं। मैंने बोला ठीक है करो, तो वो मेरे भंडारा शुरू हो गया। तो मतलब कि मुझे वो समझ नहीं आता कि आवाज़ कैसे आती है और वो कैसी आवाज़ होती है। अंदर से अंतःकरण से आवाज आती है, हमेशा ध्वनि गूंजती रहती है। अंतःकरण का जो क्षेत्र होता है ना, वो अंतःकरण यानी शरीर होता है, जैसे ये ऊपर का आकाश होता है, वहीं से ध्वनि उत्पन्न होगा करती है अंदर के क्षेत्र। तो अपने आप ध्वनि निकलती है। और आपके जैसे संस्कार हैं या जो कुछ हो रहा है, जब साधक अच्छी साधना करता है या सब होते हैं, तब अच्छी ध्वनियाँ ऊपर होती है। कभी कभी साधक ध्यान में भी सुनता है कि ऊपर आकाश की ओर से कुछ ध्वनि आई या शब्द हुए, शब्द सुनाई दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कहा गया मगर समझ में नहीं आया। ऐसी क्रिया बस यही था गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। पहले तो मन में ये आया पहले कि मैं पूरी तरह से अपने आप को तैयारी करता हूँ, फिर गुरु जी का क्या है मैं देखता हूँ। ये 10 मिनट के बाद ध्यान में फिर आप आए, फिर शक्ति पाता हूँ। और वेरी सचेतन अवस्था में मैं देखता रहा, आँख बंद था, सचेतन कॉन्शस अवस्था में देखता रहा, तो माइंड शून्य हो रहा है और उसी में मैं अच्छी बात, मन की स्थिरता होने पर ऐसा होता है। धन्यवाद गुरु जी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.